हेलो एवरीवन, मोनिकास किचन में आपका स्वागत है। अगर आपका फ्लास्क भी अंदर से पीला पड़ गया है तो आज मैं एक बहुत ही इजी मेथड लेकर आई हूँ, जिससे आपके फ्लास्क के अंदर का पीलापन सारा साफ हो जाएगा और आपकी कोई मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आइए देखते हैं कि हम फ्लास्क के अंदर का पीलापन कैसे साफ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इजी मेथड है, अगर आपने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया तो एक बार ट्राई जरूर करें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कोई भी न्यूज़पेपर लेना है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके फ्लास्क के अंदर भर देने हैं। आप चाहें तो आप इससे भी छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी फ्लास्क को इस तरह अखबार के टुकड़ों से भर देंगे। फ्लास्क में अखबार के टुकड़े भरने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे और फ्लास्क को पानी से भर देंगे। पानी नॉर्मल वाटर मैंने लिया है और फिर इसका ढक्कन लगाकर हम इसको इसी तरह से आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अब हम फ्लास्क को खोल लेंगे। लेकिन अगर आपकी फ्लास्क के अंदर ज्यादा पीलापन है तो आप फ्लास्क का ढक्कन लगाकर उसको थोड़ी देर के लिए शेक करें, अच्छे से हिला दें, तो इससे आपके फ्लास्क का सारा पीलापन खत्म हो जाएगा। तो अब हम फ्लास्क के अंदर से जितने भी हमने न्यूज़पेपर के टुकड़े भरे थे उनको बाहर निकाल लेंगे और फिर जो थर्मस का पानी है उसको भी हम गिरा देंगे। और अब एक स्कॉच ब्राइट के ऊपर थोड़ा सा डिश बार लगाएंगे और फ्लास्क को अंदर और बाहर से अच्छे से साफ कर लेंगे। आप अपने घर में बर्तन साफ करने के लिए जो भी यूज करते हैं आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप लिक्विड डिशवॉश भी ले सकते हैं। इस तरीके से साफ करने से आपकी फ्लास्क अंदर से और बाहर से बहुत ही अच्छे से चमक जाएगी और बिल्कुल नई जैसी लगेगी। और अब मैंने फ्लास्क को धो लिया है तो आप देख सकते हैं कि फ्लास्क अंदर से कितनी चमक रही है। आप इस तरीके को एक बार ट्राई जरूर करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मोनिकास किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी।